अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, आज बना रहे हैं चिकन सूप, जिसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम चिकन, जो मैंने विद बोन लिया है। जब भी सूप वगैरह बनाएं तो बोन के साथ लें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में ली है 2 स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट, थोड़ा सा गार्लिक है, जिंजर लिया है, 1 लिए हरी मिर्च। तो सबसे पहले लेंगे एक पैन। पैन में ऐड किया है 8 टेबल स्पून ऑयल। आपको ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि ये बड़ी कढ़ाई है, तो वो थोड़ा स्प्रेड हो गया है इसलिए लग रहा है। तो ऑयल को गर्म करेंगे और हम जो हमने वेजीज ली हुई हैं वो इसमें ऐड करेंगे, और कुछ सेकंड्स के लिए हमने उसको करना है सौते। सब्जियां हमारी हो गई हैं, बस हल्का सा फ्लेवर आने तक हमें करना है। अब हम ऐड करेंगे चिकन एंड 4 टम्बलर ऑफ वाटर और बहुत ही थोड़ा सा सॉल्ट। देखिए फ्रेंड्स, उबाल आ चुका है, तो अब हमने क्या करना है, गैस को कर देना है मीडियम और इसे 10 मिनट के लिए बहुत अच्छे से उबालना है। चिकन हमारा बॉईल हो रहा है, तो हमने जो वेजीज लेनी है वो देख लेते हैं। एक कैरेट ली थी जिसे ऐसे डाइस में कट कर लिया है। आधा कप कॉर्न लिए हुए हैं। एक छोटा सा कैबेज लिया था जिसका हाफ ही मैंने इस तरह से कट किया हुआ है। स्प्रिंग ऑनियन की ग्रीन 2 लीफ को मैंने इस तरह से काटा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, चिकन बॉईल हो गया था, तो इसको स्ट्रेन कर लिया है और चिकन के पीसेस से बोन्स बिल्कुल अलग कर दी हैं। अब हम अगला प्रोसेस आगे का प्रोसेस देखते हैं। फिर से ले लिया है पैन, मैंने वही पैन यूज किया है। सबसे पहले ऐड किया है स्टॉक। अब इसमें हमने ऐड करना है चिकन एंड सारी जो हमने वेजीज कट करके रखी हुई हैं वो सब ऐड कर देनी है। अच्छा, मैं ना ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी में बनाएं या मक्खन में बनाएं या रिफाइंड, जिसमें आपको पसंद हो। ऑलिव ऑयल जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए फ्रेंड्स, सब चीज़ें ऐड कर दी हैं पैन में, साथ में ही मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। अब हमने इसमें बॉईल आने देना है, उसके बाद हम इसे 10 मिनट मीडियम गैस पे बॉईल करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें और चाहिए हैं। मैंने लिया है 1 टीस्पून से थोड़ा कम पेपर पाउडर, 1/2 लेमन लिया है जिसका जूस हमें ऐड करना है, 1 अंडा लिया था जिसे सिंपली बॉईल करके उसका योक हटा दिया है और उसको ऐसे कट कर लिया है। अगर आप अंडा खाना चाहें, मतलब अगर आप कच्चा खा सकते हैं, तो जिस टाइम आप ये पकने के लिए आपने रखा है उसी टाइम एक अंडे की सफेदी आप उसमें डाल दें और एक बार हिला दें, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं बॉयल एग यूज कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, जिसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक पतला सा घोल तैयार किया है, ये भी हमने उसमें ऐड करना है। 10 मिनट हो गए हैं लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ है। इसमें हम एग, पेपर पाउडर और लेमन जूस ऐड कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सब चीज़ें पक चुकी हैं। अगर आपको थोड़ा क्रंची पसंद है तो ये बिल्कुल तैयार है, और आपको गला हुआ पसंद है बिल्कुल, तो इसे 5 मिनट और कुक कर लीजिए। अब मैं इसमें स्लरी ऐड कर रही हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, स्लरी के साथ साथ स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर दी है। अब बस इसे 1 मिनट कुक करना है, उसके बाद हम इसे सर्व करते हैं। देखिए, बहुत हेल्दी होता है, हर एज ग्रुप के लोगों को पसंद आता है और सबके लिए मुफीद होता है। सभी आसानी से खा सकते हैं, चाहे हमारे प्यारे प्यारे बुजुर्ग हैं या नॉटी नॉटी बच्चे हैं या हमारी थकी थकी हाउसवाइफ हैं। और विंटर में तो ये बहुत ही मुफीद रहता है, हम किसी भी टाइम, चाहे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, हल्का होता है, हेल्दी होता है, इसमें वेजीज भी खूब सारी हैं, तो ज़रूर बनाइए और खाइए। लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी चिकन सूप बनके तैयार है। बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें वेजीज हैं, इसमें अंडा है, इसमें चिकन है, इसमें देसी घी है और ऑलिव ऑयल है। आप देसी घी चाहें तो खूब सारा डाल के खाएं, कोई इशू नहीं है, वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, बहुत मज़ेदार होता है। फी अमानिल्लाह।